हेलो एवरीवन, एफटीआर के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ पर देख रहे थे छत्तीसगढ़ से संबंधित जो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमने पिछले सेशन में 1856 से लेकर नियर अबाउट 1900 तक चीज़ों को देखा, और आज हम देखेंगे 1900 से लेकर 1908 या 10 तक की कहानी पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमको एक चीज़ ये देखना होगा कि 1900 से लेकर 1908 तक, यानी 1900 टू 1908 तक छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, यानी छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है, वो किस तरह से आगे बढ़ता है। और उस आगे देखने के लिए और उसको आगे समझने के लिए हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं उस ब्लॉक डायग्राम के बारे में कि वो ब्लॉक डायग्राम एक्चुअली में किस प्रकार से कांग्रेस अधिवेशन के साथ यहाँ पर बाकी चीजें होती हैं। और इसमें एक चीज और याद रखेंगे आप, 1901, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक, हम सभी को पता है कि 1905 में बंगाल डिवीजन होता है। और मैं ऐसा मान के चलूंगा जब मैं छत्तीसगढ़ के किसी कॉन्सेप्ट को बताऊंगा कि आपने भारतीय इतिहास को एक हद तक पढ़ा ही होगा, जिसके आधार पर ही छत्तीसगढ़ से संबंधित जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, जो कॉन्सेप्ट, हम उसको डील करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, कई लोगों का कहना ऐसा है कि सारी चीज़ों को याद करना होता है, कुछ फैक्चुअल नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं। ठीक, लेकिन एक बात ऐसा है कि अगर उसके बेस, अगर उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को अगर नहीं बनाया जाए तो चीज़ें को याद करने में भी काफ़ी कठिनाई होती है। अगर उस चीज़ को थोड़ा समझ लिया जाए, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया जाए, किसी चीज़ से लिंक कर लिया जाए, तो फैक्ट या तथ्यों को भी मेमोराइज या याद करने में आसानी होती है। अदरवाइज ये ऐसा हो जाता है कि एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा और बिना रस्सी का उसको पकड़ने की कोशिश। तो ध्यान रखें इन चीज़ों को। तो चलिए आइए देखते हैं हम उस फ्लो डायग्राम को कि वो फ्लो डायग्राम क्या बोलेगा, और उसके बाद फिर हम एक 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 क्वेश्चन करके देखते जाएंगे। हेलो दोस्तों, अभी तक हमने 1885 से लेकर 1900 तक की बात की थी, और उस समय जहाँ पर राजनीतिक जागृति या पॉलिटिकल अवेयरनेस कहाँ कहाँ पर छत्तीसगढ़ में फैलता और किस किस घटनाओं के द्वारा हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस दिखता है, ये हम लोगों ने देखा था 1889, 1891 यानी 1891, 1894 और 1899 के आधार पर। अब हम जो नेक्स्ट जो स्लॉट देख रहे हैं, ये वाला जो टॉपिक है, ये कनेक्टर हमने बनाया हुआ है, यह है 1900 टू 1908, यानी कि 1900 से लेकर 1908 के मध्य छत्तीसगढ़ में, या छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं। 1900 और 1908 की जब मैं बात करूं तो सबसे पहले 1900 में मैंने नाम लिया माधवराव सप्रे जी का। ठीक, और 1908 में भी मैंने नाम लिया माधवराव सप्रे जी का। 1900 में मैंने नाम लिया माधवराव सप्रे की पत्रकारिता की शुरुआत का, यानी कि छत्तीसगढ़ मित्र का, यानी कि छत्तीसगढ़ मित्र से माधवराव सप्रे ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी। और माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी 1908 की बात कर रहा हूँ, ये जो गिरफ्तारी होती है यह हिंद केसरी के कारण होती है। हिंद केसरी में लिखे कुछ लेख होते हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ होते हैं, जिसके कारण माधवराव सप्रे गिरफ्तारी होती है। यानी कि हम अगर बात करें 1900 से लेकर 1908 तक, तो ये हमने छत्तीसगढ़ की राजनीतिक जागृति, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक जागृति पत्रकारिता के माध्यम से हम देख सकते हैं, और इस बीच हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो ये एक पढ़ने का तरीका हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं 1901 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, हम छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय आंदोलन होगा उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के आधार पर अध्ययन करते हुए जाएंगे। 1902 में अहमदाबाद कन्वेंशन, 1903 में मद्रास। देखिए, कलकत्ता, भारत को अगर चार भागों में बांटा जाए, इधर कलकत्ता, फिर हमने इधर आया, फिर नीचे आया और फिर आया, यानी कि इस तरह से हमने मैपिंग किया हुआ है। तो पहले कलकत्ता, कलकत्ता के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद मद्रास, मद्रास के बाद बम्बई। ठीक, उसके बाद ध्यान रखना है फिर से हम बनारस चले गए। 1905 का कन्वेंशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी की शुरुआत होती है। और 1906 का जो अधिवेशन है ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर यहाँ पे लड़ाई होती है। और 1907 के अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे सूरत विभाजन या कांग्रेस विभाजन देखते हैं। और 1908 में माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी, यानी कि 1901, 1902, 1903, 1904, साथ ही साथ 1905, 1906,
एवं 1907, इस तरीके से हम सात कन्वेंशंस देखेंगे और सात कन्वेंशंस देखने के बाद इनसे संबंधित जो घटनाएं होंगी उसे हम देखेंगे। इससे महत्वपूर्ण जो होगी वो 1905 की घटना, उसके बाद 1906 की घटना और फिर उसके बाद हम देखेंगे 1907 की घटना। हम देखेंगे कि इस समय छत्तीसगढ़ में किस किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और वो ब्रिटिश हुकूमत किस तरह से उसका रिएक्ट करता है और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो राजनेता है उन लोगों ने किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनी भूमिका निभाई। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ पर वीडियो में कि किस प्रकार से चीज़ों को हम लोगों ने कनेक्ट किया और माधवराव सप्रे की शुरुआत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ मित्र से की और उनका अंत यानी उनकी पत्रकारिता का अंत भी हम लोगों ने किससे किया, हिंद केसरी नामक पत्रिका से। तो याद रखेंगे इस बीच में बहुत सारे थ्योरी होते हैं और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ और जितना भी हो रहा है उसको एक कॉन्सेप्ट के आधार पर चीज़ों को बांधने की कोशिश है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर एक में देखते हैं। पहला प्रश्न नंबर एक है, माधवराव सप्रे के बारे में सत्य कथन है। तो माधवराव सप्रे के बारे में सत्य कथन की बात कर रहा है, इनकी गिरफ्तारी हिंद केसरी नामक पत्रिका के कारण हुई। दूसरा, देश का दुर्दय और बम गोले का रहस्य का हिंदी अनुवाद हिंद केसरी में छपा। तीसरा, 21 अगस्त 1908 को गिरफ्तारी और 2 नवंबर 1908 को रिहा। तीसरा, 1914 में गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया। क्या होगा इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा डी। प्रश्न क्रमांक एक का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी सारी चीजें सत्य है। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1900 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत छत्तीसगढ़ मित्र से की थी और जब 1905 में हम आगे डिस्कस करेंगे बंगाल डिवीजन के बारे में, तो ध्यान रखेंगे जब बंगाल डिवीजन होती है, ठीक, जब बंगाल का विभाजन होता है तो इस बंगाल विभाजन के विरोध में यानी बंगाल विभाजन के विरोध को आगे बढ़ाने के लिए इसका जो प्रस्ताव पारित होता है वह 1905 के बनारस अधिवेशन में होगा। 1905 के बनारस अधिवेशन में विरोध संबंधित प्रस्ताव पारित होता है और यहाँ पर माधवराव सप्रे की मुलाकात, कहाँ पे, 1905 के बनारस अधिवेशन में माधवराव सप्रे की जो मुलाकात होती है वह होती है बाल गंगाधर तिलक से। ठीक, क्योंकि इस अधिवेशन के पहले ही उनकी जो छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन था वह बंद हो चुका था यानी 1900 से 1903 में। उसके बाद वो और आगे पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। जब वो बनारस अधिवेशन में भागीदारी या पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो उनकी मुलाकात होती बाल गंगाधर तिलक से और हम सभी को पता है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दल के नेता थे, बाल पाल बाल। ठीक, तो लाल पाल बाल में बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल के नेता थे अर्थात माधवराव सप्रे पे भी इनकी विचारधारा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और बाल गंगाधर तिलक से इन्होंने संकल्प दिया, बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने संकल्प दिया कि बाल गंगाधर तिलक जिस प्रकार से मराठा एवं केसरी, ठीक, मराठा जो था वो इंग्लिश में निकलती थी और केसरी जो थे वो मराठी में निकलती थी, तो इन्होंने संकल्प लिया कि केसरी नामक जो पत्रिका इन्होंने मराठी में निकाल रहे हैं उसी का हिंदी वर्जन यानी हिंदी अनुवाद करके यह हिंद केसरी नामक पत्रिका निकालेंगे। तो जब वो यहाँ से आते हैं बंगाल बनारस अधिवेशन से तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किसकी वित्त सहायता के लिए काफ़ी प्रयास किया और वित्तीय सहायता अरेंज होने के पश्चात ही 13 अप्रैल, ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1907 को हिंद केसरी का प्रकाशन नागपुर से करवा दिया गया। तो पहला प्रकाशन आपको 13 अप्रैल 1907 को हिंद केसरी जो कि हिंदी भाषा में थी और केसरी का हिंदी अनुवाद था माधवराव सप्रे के द्वारा नागपुर से प्रकाशित किया गया और इसमें केसरी में छपे हुए जो आर्टिकल्स होते थे, ठीक, उनका ही हिंदी अनुवाद किया जाता था। आगे जाके हम देखते हैं कि केसरी नामक पत्रिका में जो कि तिलक की थी उसमें बम गोले का रहस्य और देश का दुर्दय नामक दो आर्टिकल प्रिंट हुआ और उस प्रिंट हुए आर्टिकल का हिंदी में अनुवाद हिंद केसरी में हमें 1908 में दिखता है, जिसके कारण किन पे माधवराव सप्रे पे राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है और इन्हें आईपीसी की धारा 124A के तहत क्या कर दिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। इनको बंदी बनाने का जो डेट है वह डेट आएगा आपका 21 अगस्त, याद रखेंगे 21 अगस्त 1908 को इन्हें बंदी बनाया जाता है एवं 2 नवंबर 1908 को इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। ठीक, लेकिन इसके बीच एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई जिनका नाम है वामनराव लाखे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी कब, माधवराव सप्रे की रिहाई कब और इन दोनों यानी कि माधवराव सप्रे और ब्रिटिश हुकूमत के मध्यस्थता यानी मीडिएटर की भूमिका निभाई वामनराव लाखे ने।
ठीक, जिसके कारण इनका विरोध हुआ, काफी पुतले चलाए गए। तो ध्यान रखिए 1905 के पहले यह राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए पत्रकारिता करते थे और 1905 के पश्चात इनकी जो पत्रकारिता थी वह प्रमुख रूप से गर्म दल के विचारधारा को और आगे बढ़ाने, लेकिन देश के प्रति ये अपनी राष्ट्रीयता बताते हुए पत्रकारिता करने लगे। अब बात यहां पर यह थी कि वामन राव लाखे, ठीक है, और उसके पश्चात ध्यान रखेंगे 1908 में इनकी रिहाई हो जाती है और रिहाई होने के पश्चात इनकी जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कार्य हो रहा था इनके द्वारा वह अवसान चला जाता है, यानी कि वह खत्म होने की कगार पर चला जाता है। और आगे जाकर 1920 के आसपास इनके जो शिष्य, इनको जो गुरु मानते थे जिनका नाम था माखनलाल चतुर्वेदी, उनके द्वारा साप्ताहिक पत्रिका कर्मवीर का भी प्रकाशन किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे हिंद केसरी जो था वो सेंट्रल प्रोविंस की एक प्रमुख पत्रिका थी, कर्मवीर भी आगे जाकर सह महत्वपूर्ण पत्रिका हमें देखने को मिलती है। तो आइए इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला, इनकी गिरफ्तारी हिंद केसरी नामक बिल्कुल सत्य। दूसरा, देश का दुर्देव बम गोले का रहस्य हिंदी अनुवाद केसरी में छपा, बिल्कुल सही। और चौथा ऑप्शन दिया है 1914 में गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया, बिल्कुल सत्य। ध्यान रखेंगे गीता रहस्य का मराठी में अनुवाद बाल गंगाधर तिलक ने किया था और इसका हिंदी में अनुवाद माधवराव सप्रे ने किया। और यह भी याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र या मध्य प्रांत वाला क्षेत्र एक्चुअली बाल गंगाधर तिलक एवं उनके सहयोगियों के गर्म दल के विचारधारा से काफी ज्यादा आकर्षित था। इसके पीछे का रीजन ये था, इसके पीछे के बहुत सारे रीजन हम देख सकते हैं, जिसमें एक प्रमुख रीजन मुझे लगता है कि यह एक बंबई हावड़ा रेल मार्ग के अंतर्गत यह क्षेत्र आता था, जिससे कई राजनेताएं जब बंबई से लेकर कलकत्ता या कलकत्ता से लेकर बंबई आते थे तो इनकी विचारधाराएं यहां पर या इनकी विचारधाराओं से यहां के लोग प्रभावित होते थे। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न है, सरस्वती पुस्तकालय के बारे में सत्य कथन है। 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में ठाकुर साहब के नेतृत्व में हुई। ठाकुर साहब की सहायता पंडित राजूलाल और सीताराम साव ने किया। तीसरा है, पंडित छविलाल चौबे ठाकुर साहब की सहायता पुस्तकालय स्थापना में किया, यानी पंडित छविलाल चौबे ने ठाकुर साहब की सहायता पुस्तकालय की स्थापना में किया। इसका जो आंसर होगा, इसको मैं आगे और करेक्ट करूंगा, इसका जो आंसर होगा ये क्या हो सकता है बताइए, इसका जो आंसर होगा वह होगा डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई है ठाकुर प्यारेलाल जी की, तो याद रखते हैं ठाकुर प्यारेलाल, आप सबको पता है ये प्रमुख नेता थे आपके कहाँ के, राजनांदगांव के। तो राजनांदगांव से आज़ादी की लड़ाई में या राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका ठाकुर प्यारेलाल ने निभाई। तो ठाकुर प्यारेलाल की जो भूमिका थी हम प्रमुख रूप से देखते हैं, लगभग ध्यान रखेंगे 1905-1906 के आसपास या रायपुर आ जाते हैं हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए, पहला। दूसरा ध्यान रखेंगे 1907-08 में इनके द्वारा विद्यार्थी आंदोलन देखने को मिलता है या राज्य का फर्स्ट छात्र आंदोलन, ठीक है, आंदोलन, विद्यार्थी आंदोलन। देखिए आंदोलन और क्रांति दोनों में बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस है। आंदोलन जो है व्यवस्था में परिवर्तन की बात करता है और क्रांति जो होती है वो व्यवस्था को ही परिवर्तित करने की बात करती। तो ये एक आंदोलन था, यानी कि स्कूल प्रशासन के अंतर्गत होने वाले कुछ परिवर्तन को ही थोड़ा सा चेंज करना। तो याद रखेंगे ये जो 1907 और 1908 में विद्यार्थी आंदोलन हुआ उसके पीछे के कारण दो थे, एक तो स्कूल की फीस का या शुल्क का इंक्रीमेंट और दूसरा यूनिफॉर्म की कंपल्सन, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपलसरी। तो इस तरह 1907-1908 में विद्यार्थी आंदोलन, जो कि पहला छत्तीसगढ़ का विद्यार्थी आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में हमें देखने को मिलता है, जिसका कारण था स्कूल फीस में इंक्रीमेंट, दूसरा यूनिफॉर्म कंपलसरी कर देना, ठीक। चलिए उसके बाद एक और फैक्ट याद रखेंगे, 1907 में ठाकुर प्यारेलाल, कौन, ठाकुर प्यारेलाल तिलक जी के संपर्क में आते हैं ऐसा बोला जाता है। और जब आप इनकी जीवनी पढ़ते हैं, ठाकुर प्यारेलाल की जीवनी को जब आप पढ़ा जाता है, तब जब कलकत्ता से बंबई तिलक जी जा रहे थे तो उसी समय जब ये रायपुर में रहते हैं तो रायपुर स्टेशन से ही ये तिलक जी के साथ हो लिए थे। और राजनांदगांव पहुंचने पर पंडित छबीलाल चौबे और राजू लाल भी इनके साथ हो गए और इन्होंने तिलक जी को तीनों लोग मिलके गोंदिया तक जाकर छोड़ा। तो इसी बीच ये जो ठाकुर प्यारेलाल जी हैं तिलक के विचारधाराओं से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए और पहली बार ये तिलक जी के कनेक्शन में आए हुए थे, तिलक जी के संबंध में आए हुए और उनकी विचारधाराओं से आकर्षित होते हैं और उसके पश्चात ही एक विद्यार्थी आंदोलन को अंजाम दिया और उसके आगे इन्होंने
फिर सरस्वती पुस्तकालय, ध्यान रखेंगे सरस्वती पुस्तकालय की भी क्या की, स्थापना की। अब ये सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना के पीछे, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना के पीछे याद रखेंगे 1909 में यह जो विचार आया, यह विचार एक्चुअली में आनंद समाज पुस्तकालय से आता है, करेक्ट। तो सरस्वती पुस्तकालय 1909 में होता है और आनंद समाज पुस्तकालय की स्थापना ब्राह्मणपाड़ा रायपुर में 1908 में होती है। आनंद समाज पुस्तकालय की स्थापना में प्रमुख लोग थे, बट मैं प्रमुख लोगों का ही नाम लूंगा, जिसमें थे माधवराव सप्रे जी और आपके वामन राव लाखे जी, ठीक। ये दो यहाँ पर राजनेता हमें देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे एक छोटी सी कहानी है, जब ठाकुर प्यारेलाल रायपुर की तरफ अग्रसर करते हैं तब इनकी मित्रता हो जाती है पंडित रामदयाल तिवारी जी से। जब ठाकुर प्यारेलाल राजनांदगांव से रायपुर आते हैं तब इनकी मित्रता हो जाती है पंडित रामदयाल तिवारी जी से, और पंडित रामदयाल तिवारी ने ठाकुर प्यारेलाल की मुलाकात करवाई माधवराव सप्रे से। और जब माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी 1908 में होती है और इनका अवसान की स्थिति आती है, तब माधवराव सप्रे के राजनीतिक उत्तराधिकारी, और एक तरफ होगा माधवराव सप्रे के साहित्यिक उत्तराधिकारी, ठीक। तो माधवराव सप्रे के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में ठाकुर प्यारेलाल का चयन होता है और माधवराव सप्रे के साहित्यिक उत्तराधिकारी के रूप में पंडित रामदयाल तिवारी जी का चयन होता है। अर्थात ये दोनों, यानी रामदयाल तिवारी और ठाकुर प्यारेलाल, जिनों एक दूसरे के मित्र थे, इन्होंने पंडित माधवराव सप्रे के साहित्यिक एवं राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में चीजों को आगे बढ़ाया, ठीक। और उसी क्रम में ही जिस प्रकार आनंद समाज पुस्तकालय में कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठकर राजनीतिक एवं सामाजिक विमर्श को अंजाम दिया करते थे, सेम उसी प्रकार से चीजों को कनेक्ट करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए एक स्थल का निर्माण करवाया ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा, कहाँ पे, राजनांदगांव में, सरस्वती पुस्तकालय 1909, जिसमें उन्हें सहायता दिया, ध्यान रखेंगे, जिनमें उन्होंने उनको सहायता मिलता है आपके राजू लाल, याद रखेंगे कई जगह गज्जू लाल लिखा है, बट ये जब आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो अब आपको यह पंडित राजू लाल शर्मा और दूसरा सीताराम साव मिलेंगे, करेक्ट। तो पंडित राजूलाल शर्मा और दूसरा सीताराम साव, और कई किताबों में आपको छबी राम चौबे के बारे में भी पता चलता है, लेकिन याद रखेंगे छबी राम चौबे जो थे वो आर्य समाज के आंदोलनों से संबंधित थे, वो डायरेक्ट तो नहीं बट अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर सरस्वती पुस्तकालय में इन्होंने क्या किया था, सहायता दिया था, इसलिए मैंने आंसर यहाँ पर डी लिया हुआ है। आप प्रिफरेंस लेवल में चलेंगे, जब तीनों के नाम आएंगे तो ध्यान रखेंगे राजू लाल और सीता साव को पहले प्रिफर करेंगे और बाद में भी छबीलाल चौबे को भी आप क्या करेंगे, प्रिफर करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा, पहला ये रायपुर पहुंचते हैं, दूसरा विद्यार्थी आंदोलन देखा, तीसरा ठाकुर प्यारेलाल का तिलक से मुलाकात आपने देखा, चौथा आपने सरस्वती पुस्तकालय देखा। और याद रखेंगे जब आप पढ़ेंगे राजनांदगांव के बारे में तो ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा स्वदेशी मूवमेंट को भी आगे बढ़ाया गया, और कहीं भी याद रखेंगे पूरे के पूरे आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहीं पर मजदूर आंदोलन, कहीं पर छात्र आंदोलन और कहीं पर युवा आंदोलन अगर आता है तो उसके नेतृत्वकर्ता अधिकतम जगह ठाकुर प्यारेलाल ही होंगे। याद रखेंगे, मैं भी बोर्ड में लिख के चीज़ों को याद करा सकता हूँ, उसमें वो मैटर नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर इतनी सी है कि जब तक आप उस पर्टिकुलर राजनेता के बारे में नहीं समझेंगे, उनकी वर्किंग स्टाइल के बारे में नहीं जानेंगे कि वो किस जोन के व्यक्ति थे, अगर मैं सुंदरलाल शर्मा की बात करूं तो वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए आपको व्यक्ति दिखेंगे, या उनका व्यक्तित्व आपको सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ दिखेगा, उनके कार्य आपको दिखेंगे। जब आप ठाकुर प्यारेलाल जी को देखेंगे तो वह आपको दिखेंगे छात्र नेता के रूप में, युवा नेता के रूप में, मजदूर नेता के रूप में दिखेंगे। जब आप ई राघवेंद्र राव साहब को देखेंगे तो आपको किसी आंदोलन से जुड़े हुए नहीं दिखेंगे, वो एक अच्छे पद पे बैठे हुए आपको दिखने वाले हैं, लाइक कभी नगर निगम अध्यक्ष, कभी सचिव, कभी सेक्रेटरी, देन गवर्नर, देन आपके वायसराय के काउंसलिंग में बैठे हुए आपको दिखेंगे। तो इस अच्छा पंडित रविशंकर शुक्ल को जब आप देखेंगे तो वो आपको अध्यक्षता करते हुए आपको दिखेंगे, यानी कि उनको लीडरशिप अच्छी लगती है, ठीक। तो इस तरह से चीज़ों को आपको कनेक्ट करना होगा, तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा, ठीक। चलिए उसके आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक
दो का डी, प्रश्न क्रमांक तीन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्यार्थी आंदोलन संबंधित व्यक्ति, मैंने विद्यार्थी आंदोलन आपको बताया क्या रीजन था, तो ठाकुर प्यारेलाल एवं राय बहादुर ठक्कर याद रखेंगे, ये नेतृत्व था ठाकुर प्यारेलाल जी का और यहाँ पे सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे राय बहादुर ठक्कर जी, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, 1905 में पांच रियासतों का स्थानांतरण बंगाल प्रांत से मध्य प्रांत में होता है, ये तो परफेक्ट है, इसे ही रियासत सोनपुर थी, ये गलत है। मध्य प्रांत का निर्माण सागौर नरबुड़ा नागपुर, ठीक है। 1936 में बरार का प्रशासन मध्य प्रांत के साथ मिलाकर किया जाने लगा था, पहले भी ये चीज़ इस टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं और मैंने बोला था कि 1905 में मैं डिस्कस करूँगा, तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा बी। चलिए आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे 1905 के बारे में, तो ध्यान रखेंगे 1905 में इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है जो आने वाले 50 सालों को भी प्रभावित करती है, तो याद रखेंगे ये जो बंगाल डिवीजन यानी बंगाल विभाजन जो 1905 में घटित होती है, ये किनके दिमाग की उपज थी, यह दिमाग की उपज थी वायसराय कौन, करजन, ठीक। तो करजन के द्वारा बंगाल विभाजन का विचार प्रस्तुत किया जाता है और यह विचार प्रत्यक्ष रूप से जब बताया गया तो बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस के लिए यानी कि प्रशासनिक सरलीकरण के लिए हमें बंगाल विभाजन करना है, लेकिन इसके पीछे जो कारण था वह था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को क्या करना, ब्रेक करना। तब यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल नामक दो राज्यों का निर्माण होता है। आज जरा सोच के देखिए कि भारत में अगर पश्चिमी बंगाल है या पश्चिम बंगाल है तो कोई ना कोई तो पूर्वी बंगाल होगा जो एक्चुअली में आज का वर्तमान का बांग्लादेश है, ठीक। तो बंगाल इतिहास के पन्नों में कई बार विभाजित होता है, ज़्यादा 3 बार इसने विभाजन के दौर को देखा, बट इधर हमारा रुख ना होते हुए हम इधर डायरेक्टली आते हैं कि इस बंगाल विभाजन की तरफ। तो हमने दो चीज़ें देखी, प्रत्यक्ष विभाजन और अप्रत्यक्ष विभाजन, फिर बंगाल विभाजन के लिए हम चलते हैं यहाँ पर कि यह बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, याद रखेंगे 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की जाती है और 7 अगस्त 1905 को बहुत बड़ी जनसंख्या में कलकत्ता में लोगों का एक आंदोलन या एक ग्रुप एक हॉल पे ये मीटिंग करते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बाइकॉट या बहिष्कार किया जाएगा, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बनाई हुई वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करने का निर्णय 7 अगस्त 1905 को लिया गया। और ध्यान रखेंगे बंगाल विभाजन की घोषणा धरातल पर उतर जाती है 16 अक्टूबर 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को जब ये घोषणा लागू हो जाती है तब बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इसी दौर पे ही मध्य प्रांत आपका बंगाल प्रोविंस, मध्य प्रांत और बंगाल प्रोविंस में कुछ रियासतों का आदान प्रदान होता है और इसमें ध्यान रखेंगे मध्य प्रांत से कुछ रियासत जैसे कि पटना, सोनपुर, वामरा, रैराकोल, कालाहांडी, ये किधर रुख करती हैं, ये रुख करती हैं किस साइड, बंगाल प्रांत की तरफ। और बंगाल प्रांत में जो हिंदी भाषी प्रांत थे यानी कि रियासत थी लाइक सरगुजा, कोरिया, जासपुर, चांगबगार एवं लास्ट में उदयपुर, वह सेंट्रल प्रोविंस में आ जाते हैं। तो एक प्रभाव तो ये आपको देखने को मिला, एक प्रभाव यहां पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी में ब्रेक करने को दिखा। अब जब ये 16 अक्टूबर 1905 को यह बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाती है तो नेक्स्ट जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होने वाला था वह होने वाला था बनारस पे, और आपको मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं वह होते थे कहाँ पे, दिसंबर के मंथ या दिसंबर के लास्ट वीक में होते थे मैक्सिमम। तो दिसंबर के बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी प्रस्ताव पर क्या दिया गया, जोर दिया गया कि हम अब अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं, बनाई हुई चीज़ें, बनाया हुआ सिस्टम को नहीं अपनाएंगे, अब हम यहाँ पर स्वदेशी यानी कि खुद के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं पर क्या करेंगे, जोर देंगे। तो याद रखिए बंगाल विभाजन के बाद ये प्रस्ताव पारित होता है, इसलिए जब हम इतिहास के पन्नों पर देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट 1906 लिखा होता है, ठीक। तो स्वदेशी को बढ़ावा इस बनारस अधिवेशन के पश्चात मिलता है, तो यहाँ से आप स्वदेशी मूवमेंट में देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने की बात थी, ये तो हमने यहाँ तीनों अधिवेशन को मैंने लिख दिया, दिसंबर बनारस 1905, फिर कलकत्ता 1906 और सूरत 1907, सारे के सारे दिसंबर में होने वाले हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सीपी एंड बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन की स्थापना होती है, कब होती है भैया, 1905 में, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक। सीपी एंड बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन की स्थापना की गई किसके द्वारा, दादा साहब खापाल्डे जी के द्वारा। दादा साहब खापाल्डे अपने आप में एक बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता
थे, राष्ट्रीय नेता थे और सीपीएन बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन 1905 में इसकी स्थापना दादा साहब खापाडे के द्वारा की गई और इसके तहत भी, इसके तत्वाधान में भी प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन किया जाता था और उसका डेट होता था अप्रैल। तो ध्यान रखेंगे अप्रैल नागपुर में इसका प्रथम अधिवेशन, ठीक, अप्रैल जबलपुर में 1906 में दूसरा अधिवेशन और अप्रैल में ही रायपुर में इसका तीसरा अधिवेशन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो एक चीज हम क्रम में अगर बनाए तो क्रम में देखेंगे पहले सीपीएन बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन का अप्रैल नागपुर 1905 हुआ होगा, उसके बाद बनारस का हुआ होगा, ठीक, बनारस के पश्चात पुनः जबलपुर 1906 का हुआ होगा और इसके पश्चात कलकत्ता, यानी कि आपका कलकत्ता 1906 हुआ होगा और कलकत्ता के पश्चात फिर रायपुर अधिवेशन 1907 हुआ होगा और 1907 रायपुर अधिवेशन के पश्चात सूरत अधिवेशन हुआ जहां कांग्रेस में फूट पड़ती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे क्रम क्या होगा, इसमें अप्रैल दिसंबर फिर अप्रैल फिर दिसंबर फिर अप्रैल और फिर दिसंबर, ठीक, 1905 यहाँ 1906 यहाँ 1907, इनमें क्या इवेंट हुआ है? इंडिया हिस्ट्री और इसकी हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके देखें तो ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे इसको समझेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से 5 रियासतों को स्थानांतरण बिल्कुल सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड ऑप्शन है कथन जो बोल रहा है मध्य प्रांत का निर्माण बिल्कुल 1861 में छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा सागर नरबुड़ा नागपुर यानी चार संभागों के अंतर्गत 18 जिलों के साथ मध्य प्रांत का निर्माण किया गया था। 1936 में बरार का प्रशासन मध्य प्रांत के साथ मिलाया गया, तभी बोला जाता था कि बिफोर द इंडिपेंडेंस छत्तीसगढ़ वाज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एंड अ बरार। तो इसके तहत 2 और 3 सत्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हमें दिखता है वह है बी। क्वेश्चन नंबर 5 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में सत्य कथन है। पहला, ताराचंद नामक युवक बिलासपुर से बढ़ चढ़कर भाग लिया। बंगाल विभाजन के विरोध में ताराचंद का नाम कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है, ताराचंद नामक युवक किस आंदोलन से संबंधित है, तो आपको इसे याद रखना होगा बंगाल विभाजन संबंधित है। दूसरा, छत्तीसगढ़ स्वदेशी प्रचार बंगाल विभाजन का ही परिणाम थी, बिल्कुल सत्य। जिस तरीके से मैंने बताया कि बनारस अधिवेशन पहले बंगाल विभाजन दिसंबर 1905 में स्वदेशी प्रस्ताव पर जोर दिया गया और 1906 में हम स्वदेशी मूवमेंट देखते हैं और यहाँ पर इसी ये जो तीन अधिवेशन होते हैं इसमें छत्तीसगढ़ से नेताओं का प्रवाह होता रहता है और यहाँ पर भी वो स्वदेशी छत्तीसगढ़ जाके प्रचार प्रसार हमें देखने को मिलता है, करेक्ट। चलिए, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव, मेघावले, नत्थू जी, जगताप, ये सारे को यहाँ पे 1907 के अधिवेशन में क्या करते हैं, शिरकत करते हैं, वो आगे हम देखेंगे, ठीक। तीसरा ऑप्शन दिया है, प्रथम राजनीतिक सम्मेलन नागपुर में स्वदेशी तथा बंगाल विभाजन संबंधित मुद्दा था ही नहीं। इसने बोला है प्रथम जो राजनीतिक सम्मेलन नागपुर में हुआ किसके तत्वाधान में, सीपीएन बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन के तत्वाधान में या उसके बैनर तले जो पहला आंदोलन प्रांतीय विषयों से रिलेटेड नागपुर 1905 में जो होता है, क्या वह स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन संबंधित था? नहीं, क्योंकि उसके बाद ये इवेंट हुए, उसके बाद ये घटनाएं हुई, तो कैसे ये उससे कनेक्टेड होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा, स्वदेशी तथा बंगाल विभाजन संबंधित मुद्दा था ही नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक, इसका आंसर होगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रांत एवं बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन के संबंध में सत्य कथन है। पहला, इसकी स्थापना दादा साहब खापाल्डे ने की, बिल्कुल सत्य है। दूसरा, इस एसोसिएशन के तत्वाधान में लगातार की बात कर रहा हूं 1905 1906 1907 में सम्मेलन हुए, बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद बाल गंगाधर तिलक यानी कि जो केंद्रीय स्तर पर गरम दल के नेता या गरम दल के विचारधारा के क्या थे, सूत्रधार थे, उनकी ही गिरफ्तारी 1908 में हो जाती है, तो उसके बाद इस गरम दल की राजनीति यहां पर ठंडी पड़ जाती है 1915 से 16 तक। ये भारतीय इतिहास का एक भाग है जिसको आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे प्रमुख 1905, 1906, 1907, नागपुर, जबलपुर और रायपुर से संबंधित सम्मेलनों को आपको देखना है। इस एसोसिएशन, किस एसोसिएशन, सीपीएन बरार एसोसिएशन के तत्वाधान में 1905, 1906, 1907 में सम्मेलन हुए। तीसरा, इसकी स्थापना प्रांतीय विषयों पर प्रकाश डालने के लिए की गई थी। प्रश्न क्रमांक 6 आपने पूरा समझा होगा, तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक।
तो प्रश्न क्रमांक 6 से संबंधित जो सारे कथनों को हमने देखा उससे इसका आंसर आता है डी। अब आते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 जो बोलता है 1906 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में क्या क्या असत्य है, यानी क्या असत्य है। पहला, सीएम ठक्कर द्वारा आईएनसी की स्थापना रायपुर में किया गया। सीएम ठक्कर के द्वारा रायपुर में आईएनसी की स्थापना की गई, ठीक है। बी, सन्मित्र मंडल की स्थापना सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया। 1906 में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन जबलपुर में होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक जो हमारा 7 है उसमें 1906 से संबंधित ध्यान रखेंगे सीएम ठक्कर जी के द्वारा। सीएम ठक्कर एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता होते हैं, और ये जो सीएम ठक्कर होते हैं जो ये नरम दल के नेता होते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये नरम दल के नेता होंगे। और नरम दल के नेता होने के कारण यह केंद्रीय कांग्रेस के उस दल की विचारधारा से ये आकर्षित थे जो नरम दल यानी कि विनय नुविने की राजनीति पर बिलीव करता था। तो इसके तहत यानी इनके तहत सीएम ठक्कर जी के तहत या उनके द्वारा यहां पर कांग्रेस की स्थापना की गई। कहां पर कांग्रेस की स्थापना की गई? रायपुर में पहली ब्रांच खोली गई। सन्मित्र मंडल की स्थापना सुंदरलाल शर्मा ने की थी, बिल्कुल सत्य है। सन्मित्र मंडल की स्थापना सुंदरलाल शर्मा ने किया था, और यह जो सुंदरलाल शर्मा ने सन्मित्र मंडल की स्थापना की थी, इसके दो उद्देश्य थे। पहला, सामाजिक जागृति, और दूसरा राष्ट्रीय जागृति। ध्यान रखेंगे, पहली सामाजिक जागृति और दूसरी राष्ट्रीय जागृति। और इन्होंने नारायण राव मेघावले की सहायता से सन्मित्र मंडल की स्थापना 1906 में की थी। और 1906 में सन्मित्र मंडल की स्थापना इधर होती है, सीएम ठक्कर द्वारा कांग्रेस की स्थापना होती है। और बाद में जब 1907 में जब ये सूरत अधिवेशन जाते हैं तो उसके पहले ही इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सुंदरलाल शर्मा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात ही 1907 में सूरत अधिवेशन में जाते हैं, यानी उसी सूरत अधिवेशन में जहाँ पर कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई तो होती है लेकिन विचारधारों में भी मतभेद की जगह अब मनभेद भी हो चुका था, और वहां पर क्या हो जाता है, कांग्रेस में फूट पड़ जाती है, ठीक। तो वहां सुंदरलाल शर्मा ने गए थे। तो प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 8, रायपुर में कब तृतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ? तो पॉइंट इसका है, रायपुर में तृतीय सम्मेलन जो होता है 28 मार्च 1907 को यहां पर तृतीय सम्मेलन हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो तृतीय सम्मेलन कब? 28 मार्च 1907 को। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न क्रमांक 9, 1907 के आसपास छत्तीसगढ़ अंचल की राजनीति की विचारधारा में फूट पड़ने के पीछे के क्या कारण थे? 1907 के आसपास छत्तीसगढ़ अंचल की राजनीतिक विचारधारा में फूट पड़ने के क्या कारण हो सकते हैं? चलिए इस क्वेश्चन को अभी करते हैं हम लोग। 1907 के आसपास छत्तीसगढ़ अंचल की राजनीतिक विचारधारा में फूट पड़ने के पीछे के क्या कारण थे? पहला बोल रहा है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई, रायपुर के सम्मेलन में वंदे मातरम गीत से सम्मेलन की शुरुआत की मांग, और तीसरा 1907 का सूरत विभाजन एक बहुत बड़ा कारण था। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सोचिए, इसका आंसर होगा क्या? डी, उपरोक्त सभी। समझते हैं थोड़ा क्यों रायपुर में, ध्यान रखेंगे 28 अप्रैल, कई जगह 25 मिलता है लेकिन मेरे जितने रिसोर्सेस मैंने देखे हैं उसमें 28 अप्रैल 1907 में सीपीएन बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन के तत्वाधान में एक राजनीतिक सम्मेलन होता है। और ध्यान रखेंगे ये जो मेरा सीपी यानी कि सेंट्रल प्रोविंस जो था वह प्रमुख रूप से चार भाग थे उसमें, नागपुर वाला, नागौर, ठीक, नरबूड़ा मतलब सागौर, नरबूड़ा और छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, ये पूरे बेल्ट में यहाँ पर जो सीपीएन बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन जो वर्क कर रहा था इन पूरे के पूरे बेल्ट में काम कर रहा था पूरे क्षेत्र में। जब हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को देखते हैं तो हम साथ में पूरे के इतिहास को भी देखते हैं, यानी कि हमारा इतिहास इनसे कनेक्टेड है, हम कोई पृथक रूप से यहाँ पर अपने इतिहास के पन्नों को नहीं झांक सकते। तो ध्यान दीजिएगा कि जब मैं 28 अप्रैल 1907 को यहाँ पर इस अधिवेशन के बारे में देखता हूँ तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था R.N. मुधोलकर ने, यानी रघुनाथ मुधोलकर ने, और दूसरा यहाँ की स्वागत अध्यक्ष थे आपके हरि सिंह गौर, ठीक, हरि सिंह गौर। बात किसकी है? 1907 की। लेकिन इसके पहले केंद्रीय स्तर पर आप ध्यान रखेंगे 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, और कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर नरम विचारधारा और गर्म विचारधारा दोनों के मध्य क्या होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, मतभेद होती हैं। लेकिन वहाँ पर नरम दल वालों ने क्या किया, प्रमोट किसे किया, उन्होंने दादाभाई नौरोजी को आगे बढ़ाया कि ठीक है दोनों के विचार, नरम दल और गर्म दल दोनों के विचार मान्य नहीं है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो यहाँ पर इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी कर लेंगे।
तो दादा भाई नौरोजी ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता किया, गरम दलाल ने उनका आदर किया क्योंकि वो काफी वृद्ध और बुद्धिजीवी वर्ग के दादा भाई नौरोजी थे। तो 1906 का जो मामला था, जो मतभेद था, वह क्लियर हो जाता है और इस समय फूट नहीं पड़ती 1906 में। लेकिन जब 1907 में, याद रखेंगे, जब 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, पुनः फिर ये अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई होती है और यहाँ पे नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो जाते हैं, यानी गरम दल और नरम दल में फूट, यानी कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। तो 1906 में जहां पर अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई हुई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने के कारण वह लड़ाई खत्म हो जाती है। उसी का ही परिणाम हमें रायपुर के राजनीतिक सम्मेलन, जो कि 28 अप्रैल 1907 को टाउन हॉल में है, वहां दिखता है। वहां दादा साहब खापाटे, याद रखेंगे, दादा साहब खापाटे जो कि बाल गंगाधर तिलक यानी कि गरम दल के विचारधारा को मानने वाले थे, इन्होंने ये बोला कि सम्मेलन की शुरुआत हमें वंदे मातरम गीत से करनी चाहिए। और उस समय राम आपके रघुनाथ मुधोलकर और हरि सिंह गौर ने यह तथ्य बताया कि वंदे मातरम गीत गाने से अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें जेलबंदी या रिहासत में ले लिया जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तब दादा साहब खापाटे नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के बाद यह सम्मेलन को छोड़कर तात्यापारा के निकट हनुमान मंदिर जाकर वंदे मातरम का जयघोष करने लगते हैं और पूरा वातावरण राष्ट्रीय चेतना से जागृत हो जाती है, ठीक। लेकिन बाद में यहाँ पर रविशंकर शुक्ल, ध्यान रखेंगे, रविशंकर शुक्ल गरम दल के नेता होते हैं लेकिन यह मृदुभाषी और नॉर्मल होते हैं, इसलिए कई जगह ये कन्फ्यूज़न होता है कि रविशंकर शुक्ल जी नरम दल के थे, लेकिन ऐसा नहीं है, वह गरम दल के ही थे, शुरुआती दौर से ही गरम दल में रहे, शुरुआती दौर से ही वह बाल गंगाधर तिलक के उसमें रहे, लेकिन वह चीज़ों को समझकर आगे चले और उन्होंने हरि सिंह गौर एवं रघुनाथ मधुलकर यानी इन दोनों को मना लिया, और साथ ही साथ इसलिए मना, ये भी मना लिया कि हम आंदोलन यानी कि हम सम्मेलन की शुरुआत हम किससे करेंगे, वंदे मातरम गीत से करेंगे। लेकिन यहाँ पे दादा साहब खापाटे वापस नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पर ये चीज़, यह आंदोलन आप ध्यान रखेंगे। और अप्रैल 1907 के पश्चात जब दिसंबर 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस में एक्चुअली में फूट पड़ गई, यानी कि इस सूरत अधिवेशन का प्रभाव यहाँ नहीं है, इसमें नहीं, इसमें जो प्रभाव है 1906 का प्रभाव है, जो यहाँ पे मतभेद हुआ था, जो यहाँ पे मतभेद और मनभेद में बदला और यहाँ पे मनभेद होके वो टूट गया, करेक्ट। तो इसको आप ध्यान रखें कि एक्चुअली में ये जो है, ये सूरत अधिवेशन तो तब तक तो हुआ ही नहीं था, ठीक। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में जो फूट पड़ती है उसी का प्रभाव हमको यहाँ देखने को मिलता है, ये बिल्कुल गलत है, ये कई किताबों में मैंने देखा है, लेकिन आप प्लीज़ उसे रेक्टिफाई करें, ठीक। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो आंसर होना चाहिए वह होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इस तरीके से यहाँ पर तीनों कारण हैं जो यहाँ पर राजनीतिक विचारधारा में कुछ फूट पड़ती हुई हमें दिखती है। प्रश्न क्रमांक 10, छत्तीसगढ़ में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत में किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका है पंडित सुंदरलाल शर्मा की, क्योंकि 1907 के अधिवेशन में जब गरम दल और नरम दल के बीच वहाँ पर फूट पड़ती है, जब वो अलग होते हैं, तब वहाँ पे हाथापाई भी होती है, तब बाल गंगाधर तिलक को सेफ एंड बचाने वाले व्यक्तियों में पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले भी होते हैं वहाँ पे सूरत अधिवेशन में, ठीक। और वहीं से वो विचारधारा आगे प्रसारित होती है और वह विचारधारा छत्तीसगढ़ के कर्म भूमि पर आती है, जहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले के द्वारा धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, अन्य क्षेत्रों में क्या किया गया, स्वदेशी का प्रचार किया गया, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर ए होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। फिर प्रश्न क्रमांक 11 में देखते हैं, धमतरी में 1910 के गणित उत्सव समिति की स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो ध्यान रखेंगे, यशवंत राव मेघावले के सहयोग से स्थापित हुई, लेकिन इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो अब्दुल रज्जाक खां थे, ठीक, अब्दुल रज्जाक खां थे। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है किसके सहयोग से हुई, तो याद रखेंगे यशवंत राव मेघावले, न कि नारायण राव मेघावले के सहयोग। प्रश्न क्रमांक 12, 1907 के अधिवेशन के पश्चात गरम दल के नेता कौन कौन थे? इसमें ध्यान रखेंगे, गरम दल के नेता के बारे में यह पूछ रहा है, दादा साहब खापाटे और बैरिस्टर छेदी लाल। दादा साहब खापाटे और बैरिस्टर छेदी लाल गरम दल के नेता थे, साथ ही साथ पंडित रविशंकर शुक्ल जी को भी यहाँ पर ले सकते हैं गरम दल के नेता में, साथ ही साथ डॉक्टर मुंजे को भी आप गरम दल के नेता में लेंगे, बट यहाँ पे आप हरि सिंह गौर, रघुनाथ मुधोलकर और सीएम ठक्कर, इनको आप लेंगे किसमें, नरम दल के नेताओं में, यानी कि कथन 1 और कथन 4
यानी इसका आंसर होगा केवल सी 1 और 4। जो नेता हैं, जिन नेताओं का नाम यहाँ पर मेंशन है, वह होंगे आपके गरम दल के नेता। इसके साथ ही आज का यह सीरीज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ इस सीरीज से आपको लाभ हुआ होगा। और एक चीज़ और कि इसको जितना भी हो सकता है आप रिवाइज करें धीरे धीरे करके। नेक्स्ट सीरीज हम जब देखेंगे उसमें हम 1915 से लगभग हम स्टार्ट करेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें हम रैंडम क्वेश्चन लेंगे, तो आप लोग रेडी रखेंगे मिल मजदूर आंदोलन से, ठीक, गांधी जी से संबंधित, गांधी जी के प्रथम आगमन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे, असहयोग आंदोलन से संबंधित होंगे और आपके नहर सत्याग्रह से भी चीज़ें कुछ कनेक्टेड रहेंगी। ठीक है दोस्तों, ऐसी मेरी आशा है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, तो कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।